हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि डायबिटीज कितने टाइप का होता है और डायबिटीज यानी शुगर बढ़ जाने से शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं और अंत में देख लेंगे कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए और होम्योपैथिक दवा भी समझ लेते हैं। तो छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। हर एक मिनट आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो देखिए, जो डायबिटीज है बेसिकली दो टाइप होती है। डायबिटीज दो टाइप होती है, एक टाइप वन और दूसरा टाइप टू। और दोनों को शुगर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि टाइप वन वाले को शुगर बोलते हैं, दूसरे को नहीं बोलते हैं, दोनों को शुगर ही बोलते हैं। होता क्या है, इस टाइप वन में इंसुलिन नहीं बनती, इंसुलिन बनी नहीं रही है और इंसुलिन बनाने का काम पैंक्रियास करता है। पैंक्रियास, इसमें एक बीटा सेल पाई जाती है। ये जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन बनाने में अगर अक्षम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप वन। और क्यों नहीं बना पाती, अगर उसका कारण जानना चाहते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी बॉडी की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचा रही है, जिस वजह से इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में ठीक से नहीं बन पा रहा है। और दूसरा है कि यहां पे इंसुलिन बनती तो है, इंसुलिन बनती है लेकिन कम बनती है। तो टाइप वन में इंसुलिन बनी नहीं पाती और टाइप टू में इंसुलिन बनती है लेकिन थोड़ी मात्रा में बनती है, यानी बॉडी के लिए सफिशियंट नहीं होती है। अब बॉडी के लिए सफिशियंट इंसुलिन चाहे न बने या फिर इंसुलिन एकदम न बने, होता क्या है कि जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जो ब्लड होगा उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। और नॉर्मली जो ब्लड शुगर होता है, जो ब्लड में शुगर होता है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। मतलब 100 ml अगर आप ब्लड लेंगे, ठीक, तो उसमें जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 80 से 120 मिलीग्राम के टर्म में होनी चाहिए। तो नॉर्मली इस तरह से रहता है। अब जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है उन्हीं को बोल देते हैं कि डायबिटीज होता है। तो देखिए, खास बात ये फास्टिंग का है, यानी खाली पेट इतना रहता है। अब आप कुछ भी खाते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट अगर आपने खाया तो ये शुगर लेवल बढ़ जाता है और 200 से 250 300 तक पहुंच सकता है। ये पहुंच जाता है लेकिन 2 से 3 घंटे में फिर वापस इसी नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। यानी चाहे जो भी इंसान हो, जब भी फूड सप्लीमेंट खाता है तो उसका शुगर लेवल बढ़ना तय है, शुगर लेवल बढ़ जाता है लेकिन 2 से 3 घंटे में फिर वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। दिक्कत क्या है कि अगर शुगर लेवल बढ़ा रहेगा तो आप समझिए कि नॉर्मली तो इतना है, तो इतने शुगर लेवल पर हार्ट जो है ठीक से पंप कर पा रहा है, ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है बिना थके हुए। अगर शुगर लेवल बढ़ा रहा हमेशा, मान लीजिए 200 के आसपास रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड में डिजॉल मटेरियल ज्यादा है और जब डिजॉल मटेरियल ज्यादा है तो यूं समझिए कि ब्लड मोटा है और मोटे ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी उसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि ब्लड मोटा रह रहा है तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। किडनी को मोटा ब्लड फिल्टर करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई दिक्कतें धीरे धीरे आने लगती हैं, इसीलिए डायबिटीज को सिस्टमिक डिजीज बोलते हैं। सिस्टमिक डिजीज इन द सेंस की शरीर की हर एक कोशिका डायबिटीज से प्रभावित हो जाती है,
यानी किसी एक पार्ट को अफेक्ट नहीं करता डायबिटीज, डायबिटीज पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से हार्ट अफेक्ट होगा, किडनी अफेक्ट होगा, और ब्लड अगर मोटा है तो जो दूर आर्टरी वेन्स हैं, यानी जहां पे आर्टरी वेन्स एकदम पतली हैं, उसमें ठीक से नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन कम तो यानी कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। तो जहां पे बहुत पतली आर्टरीज होती हैं वहां पे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, तो उसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकता है, होता है, या फिर डायबिटिक फूट भी हो सकता है। थोड़ा सा चोट लगी फिर वो भरेगा ही नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रही, तो जो चोट लगी हुई कैसे भरेगी। तो इस तरह से जो डायबिटीज है पूरी शरीर की व्यवस्था को अव्यवस्थित बना देता है। तो यानी सीधी सी बात है कि सीरियस डिजीज है, और इस सीरियस डिजीज से निपटने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, तो इस तरह से जो शुगर है बॉडी लेवल का वो मेंटेन रहेगा। और खान पान दिनचर्या की अगर बात किया जाए तो आलू चावल चीनी तीनों को बंद करना पड़ेगा या एकदम मिनिमम करना पड़ेगा। आलू चावल चीनी एक ही समझ लीजिए कि फैमिली के मेंबर हैं, सब में ग्लूकोज की यूनिट है, चाहे आलू हो स्टार्च है, चावल भी स्टार्च है, चीनी ऑलरेडी, तो आलू चावल चीनी कम करना पड़ेगा। दिनचर्या बैलेंस रखनी पड़ेगी, फिजिकली एक्टिव रहें और ठीक समय से खाएं पिए सोएं जगें, और सबसे बड़ी चीज टेंशन कम लें, टेंशन से पूरी बॉडी प्रभावित होती है, तो टेंशन कम लें तो बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ठीक चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग डायबिटीज से थोड़ी सी सावधानी रख के उस बीमारी से बच सकते हैं। होम्योपैथी में कई बेहतरीन दवाइयां हैं डायबिटीज के लिए, तो उसमें से कुछ का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन दिनचर्या बैलेंस रखना जरूरी है। तो दो दवा हैं, मदर टिंचर आप इसका यूज करें, एक है जिमनेमा सिल्वेस्टर, इसका मदर टिंचर ले लीजिए, और दूसरा साइजियम जेम्बोलिनम, दोनों का मदर टिंचर 15-15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के तीन बार लीजिए, एक से दो महीने लीजिए, फिर कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए एक हफ्ते के लिए, फिर लीजिए इस तरह से। तो इस दवा से जो डायबिटीज है उस पर कंट्रोल भी रहेगा, अब कुछ टाइम तक यूज करेंगे तो डायबिटीज ठीक भी हो सकती है। तो इस तरह से कुछ काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, किसी को शेयर भी कर दीजिए ताकि हो सकता है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और उसकी बीमारी में किसी भी तरीके से हेल्प हो सके। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।